दोस्तों स्कोडा कोसाक इंडिया पर कब होगी लॉन्च और इसके बारे में सभी जानकारी है। इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, क्या इंजन मिलेंगे, क्या सेफ्टी फीचर मिलेगी और सभी जानकारी के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। और इसका की प्राइस भी क्या होने वाली, इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल में आप सभी लोगों को जानकारी देंगे, पूरी डिटेल रिव्यू आप सभी लोगों के साथ में शेयर करेंगे। वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। इस कमाल की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और ऐसे ही कमाल की वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। दोस्तों यहां पर बात करेंगे स्कोडा की कोसाक के इंटीरियर एक्सटीरियर और सेफ्टी फीचर, इंजन परफॉर्मेंस और सभी चीज़ों की। तो शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर से। तो यहां पर सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करें तो यहां पर आप सभी लोगों को सेंटर पर मिलती है स्कोडा की ग्रिलिंग जो कि काफ़ी बेहतरीन है और साइड में आप सभी लोगों को क्रोम सराउंडिंग भी दी गई है जिसके ऊपर आप सभी लोगों को स्कोडा की लोगो मिल जाएगी। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर फ्रंट बम्पर की तो नीचे की साइड आपको फ्रंट बम्पर पर आपको सिल्वर कलर की ग्रिलिंग देखने को मिलेगी या फिर सिल्वर ग्लाइडिंग मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है आपके कार के फ्रंट लुक को। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी लोगों को LED DRLs दी गई है जो कि काफ़ी प्रीमियम शेप पर दी गई है और जस्ट उसके ऊपर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और हेडलैम्प्स वगैरह दी गई है और हाई बीम वगैरह ये सभी चीज़ें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के द्वारा मिलती है। अब बात करते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 17 इंच के अलॉय व्हील के ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पर आप सभी लोग इसके अलॉय व्हील को देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी लोगों को काफ़ी बेहतरीन सा रूफ रेल भी दिया गया है। और बात करें इसके रेयर प्रोफाइल की तो वहाँ पर आप सभी लोगों को टेल लैम्प मिलती है जो कि LED फिटेड है और साथ ही इस कार के टेल लैम्प पर आप सभी लोगों को ऊपर की साइड डिफोगर और रेयर वाइपर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड स्पॉइलर भी दिया गया है और साथ ही आप सभी लोगों को यहाँ पर मिलती है रियर कैमरा जो कि इसके नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर पर लगाया गया है। और नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की बम्पर भी देखने को मिलता है जो सेम सिल्वर बम्पर आपको फ्रंट साइड पर देखने को मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर ये कार एक्सटीरियर से काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की तो यहाँ पर इंटीरियर कुछ इस प्रकार का है जहाँ पर आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड दिया गया है जो कार को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और एक लग्जरी फील कराने लायक बन जाती है। जहाँ पर अगर हम बात करें तो इस कार पर ड्यूल टोन डैशबोर्ड के साथ में सेंटर पर ही 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में दी गई है और साथ ही इसके जस्ट नीचे आपको AC वेंट मिलता है, सेंटर AC वेंट जिसके जस्ट नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC हीटर के सभी फीचर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी डिजिटली दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप बात करें तो साइड पर आपको काफ़ी प्रीमियम सीट दिखने वाली रियर साइड AC वेंट मिल जाती है और यहाँ पर मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील दी गई जिससे आप अपने स्टेयरिंग से ही काफ़ी सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह सभी चीज़ें इस कार पर मिलती है। इस कार पर आपको लेदर सीट्स दी गई है और इसके अलावा आप सभी लोगों को ड्राइवर सीट्स पर ही पंच कंट्रोल दी गए हैं, यानी कि आपको ड्राइवर सीट से ही आप अपने सभी डोर सभी विंडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ORBM को कंट्रोल कर सकते हैं और सभी कंट्रोल्स आपको आपके ड्राइवर सीट्स के डोर पर ही देखने को मिल जाती है। इस कार पर आपको एम्बिशन लाइटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है और इलेक्ट्रिक सनरूफ और मूनरूफ का भी ऑप्शन दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन सनरूफ और मूनरूफ इसके टॉपेस्ट वेरिएंट पर ही देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मीटर क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोगों को दोनों ही साइड एनालॉग मीटर क्लस्टर मिलती है और साथ में बीच में आप सभी लोगों को एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल मीटर भी दी गई है जिससे आप सभी लोग अपने सभी वार्निंग्स को और बाकी सभी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्कोडा कोसाक के इंजन की तो यहाँ पर आप सभी लोगों को दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे और दोनों ही इंजन ऑप्शन आपको टर्बो इंजन पर देखने को मिलती है तो काफी अच्छी बात है। आपको इसके बेस मॉडल पर भी टर्बो इंजन का ऑप्शन दिया गया है। इसके यहाँ पर आप सभी लोगों को एक 1.0 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन मिलेगा जो कि टर्बो पेट्रोल है और जो 113 BHP की पावर जनरेट करती है। इस जिस कार पर आपको 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और इस कार पर आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो लगभग 147 BHP की पावर जनरेट करती है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। जिस कार पर आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन दिया गया है, यानी कुल मिलाकर आपको इस कार पर कभी भी पावर की कमी नहीं होगी, यानी कि इस कार की पावर जो है वो आपको Hyundai के क्रेटा के आसपास या फिर उससे बेहतर पावर देखने को मिलेगी। इस कार पर आपको 6 एयरबैग दी गई है, आपके सेफ्टी के लिए 381 लीटर की बूट स्पेस दी गई है, 188 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है जिससे आप इस कार को लेकर किसी भी सड़क पर जा सकते हैं। इस कार की लेंथ
4.25 मीटर की है, जिस कारण से इस कार को आप आसानी से Hyundai के क्रेटा से कंपेयर कर सकते हैं। इस कार पर आपको 6 स्पीकर्स दी गई जो कि हाई क्वालिटी स्पीकर्स है। और इस कार की प्राइस की बात करो तो इस कार की प्राइस 10 लाख से 17 लाख के आसपास होने वाली है स्कोडा के अकॉर्डिंग। और इस कार को लॉन्च करने वाली है स्कोडा 15 जुलाई 2021 को, ये एक्सपेक्टेड डेट है। और इसकी डेट जो है वो आगे बढ़ सकती है क्योंकि फिलहाल इंडिया पर लॉकडाउन लगी हुई है। तो ये है स्कोडा कोसाक की डिटेल रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में बताई गई पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलता हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।